हेलो फ्रेंड्स, लोकल गाइड चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ मेरे पास कैनन का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है कैनन IR3300। यह मशीन ऑफिस में या शॉप में फोटोकॉपी या जेरोक्स निकालने के लिए भी यूज़ होती है। अब मुझे इस फोटोकॉपी मशीन को सिर्फ जेरोक्स या फोटोकॉपी के अलावा कंप्यूटर और मोबाइल से प्रिंटआउट निकालने के लिए भी यूज़ करना है। यहाँ मेरे पास वाईफाई राउटर भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी फोटोकॉपी मशीन या जेरोक्स मशीन को वाईफाई राउटर से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल से वायरलेस प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैन केबल या नेटवर्क केबल प्रिंटर के इथरनेट पोर्ट पे और दूसरा एंड वाईफाई राउटर के लैन पोर्ट पे कनेक्ट करना है। अब वाईफाई राउटर में लॉग इन करना होगा। आपके वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस जानने के लिए कंप्यूटर पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और टाइप कीजिए ipconfig। आपको यहां अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिलेगा और नीचे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वही आपके वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस है। अब ब्राउज़र ओपन कीजिए और टाइप कीजिए वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस जो हमने फाइंड किया। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। यहाँ मेरा यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन। अब आपको जाना है DHCP सेटिंग्स में। अगर DHCP सर्वर डिसेबल है तो उसे इनेबल कर लीजिए और आपको प्रिंटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे जो स्टार्ट आईपी एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस का रेंज दिया है उसमें से ही देना है और वो आईपी एड्रेस किसी दूसरे डिवाइस का नहीं होना चाहिए। अब आपको प्रिंटर को आईपी एड्रेस देना है। उसके लिए जाइए सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स, उसके बाद TCP/IP सेटिंग्स। यहाँ आपको आईपी एड्रेस देना है जैसे कि मैंने दिया है 192.168.0.102। जैसे मैंने बताया आईपी एड्रेस DHCP सर्वर के रेंज के अंडर से ही होना चाहिए। उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0 और गेटवे 192.168.0.1 जो यहाँ मेरे वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस है। अब प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं। उसके लिए कंप्यूटर पे ओपन कीजिए प्रिंटर्स एंड स्कैनर और क्लिक कीजिए ऐड न्यू प्रिंटर। उसके बाद क्लिक कीजिए प्रिंटर नॉट लिस्टेड हियर। उसके बाद ऐड अ प्रिंटर यूजिंग TCP/IP एड्रेस और टाइप कीजिए प्रिंटर का आईपी एड्रेस 192.168.0.102 और उसके बाद सिलेक्ट कीजिए प्रिंटर का मॉडल और ड्राइवर्स। यहाँ मेरे प्रिंटर है कैनन और मॉडल है IR3300 और ड्राइवर है PCL5E 64-bit विंडोज 10 OS के लिए। अगर आपके प्रिंटर का ड्राइवर लिस्ट में नहीं है तो आप प्रिंटर की ऑफिशियल वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो चुका है। टेस्ट पेज प्रिंट करके आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली वायरलेस प्रिंट दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।